अरे बिल्कुल बहुत टाइट हो गया ये तो। बताओ ठंड में बर्फ से सिकाई करना कितना बहादुर का काम है। हाँ बेबी, बहादुर का काम सिकाई करना नहीं है, जिसको सेक रही हूँ वो बहादुर है। बाबू ठंड में बर्फ से सिकाई होगा आपका। रेडी गाइस, ये आज पहली बार कर रहा है गाइस ये एक्सरसाइज। देखो कल भी किया था। रेडी गाइस, ये आज पहली बार कर रहा है गाइस ये एक्सरसाइज। देखो कल भी किया था। अरे तेरी के, अरे ये कौन सा खेल है बाबू। एक लाइट जला दो ना, थोड़ा सा और ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। आय हाय हो गया, बुखार लग गया गाइस, फीवर हो गया। बेटे को इंजेक्शन लगा था ना, इसलिए फीवर हो गया दोस्तों। सो गाइस ये देखो मम्मी सुबह सुबह उठ के क्या कर रही है। गुस्सा नहीं होना मम्मी। ये गाइस देखो पुराने कपड़े हैं, ये सारे बचपन के कपड़े हैं। एक है, दो है, और इसके अंदर और सारे बोरे रखे हुए हैं। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग वीडियो। आई एम राहुल, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे नए ब्लॉग वीडियो में। और ये कपड़े जो है ना, ये बचपन के हैं। सारे कपड़े छोटे हो गए हैं, कुछ ने तो चूहों ने काट दिया है, और भी बहुत सारे कपड़े हैं। तो सबके सब ना बेड के अंदर रखे पड़े हैं। तो फिलहाल अभी हम इन कपड़ों को बेचने जा रहे हैं गाइस। 2 रुपए किलो। पता नहीं कितने रुपए किलो बेच रही मम्मी। कितने रुपए किलो? 15 रुपए किलो है। इन कपड़ों से कुछ बनेगा ना, बिस्तर बनता है गाइस। ओहो, तो इधर बन रही है साग। ये जिया स्टार्ट हो चुकी है। जिया हट जा। एक ड्रेस तो इसको हमने पहना दी है, पूरा पूरा एकदम खराब कर रखी है। कहाँ है कपड़े वाले भैया? इतना 2 रुपए किलो? मैं भी सोच रहा हूँ 2 रुपए किलो। मुझे लगा ना कि 20 रुपए किलो है। हिसाब से 200 रुपए हो गए। मैंने सोचा वाह, 200 रुपए के कपड़े बिक गए। फिर पता चला रहे नहीं यार, टोटल 20 रुपए के कपड़े हुए, 10 किलो कपड़े हुए थे। अरे वही जो पुराने कपड़े बच जाते हैं ना, तो उन्हीं कपड़ों को ना, हाँ मोटे वाले धागे से ना, अरे मशीन होती है मम्मी, तो उसी से ना बना देते हैं, ये दरी बना देते हैं। अभी तो और कपड़े हैं गाइस, पता नहीं ऐसे कट्टे और 3-4 भरे पड़े हैं, लेकिन अभी फुर्सत नहीं है, बेड से निकालना पड़ेगा। तो अभी गाइस मैं यहाँ पर बैठा हूँ एकदम बालकनी के पास। इधर से मस्त धूप आ रही, आराम फरमा रहा हूँ। बाकी ऊपर चीकू सो रहा है, चीकू को देखना बहुत जरूरी है। उसके पास हीटर लगा हुआ है ना, तो हीटर यार गिर भी ना जाए, तो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा सिस्टम, इसीलिए बार बार आके मैं चेक करता हूँ। हाँ, तो फाइनली ये सो रहा है। हाँ, हीटर लगा हुआ है। रात को गाइस ये ढंग से सोया नहीं था गाइस, मतलब रात भर ना ये बहुत जगह है, क्योंकि इसको इंजेक्शन लगी थी ना, तो इंजेक्शन के कारण ये सो ही नहीं पाया दर्द के मारे। एक थाई में लगी है तो वो सूज गया है। तो फिर कल रात को तो इसकी मालिश हुई नहीं थी, तो आज सुबह मम्मी ने इसकी मालिश करी है। तो मालिश करने के बाद 2 घंटा खेला है, उसके बाद जाके अभी जाके थोड़ी देर पहले, मतलब की 1-1.5 घंटे मतलब आधे घंटे पहले जाके सोया है। आज डम्बल में हाथ नहीं लगाऊंगा गाइस, कल बहुत ज्यादा मैं थक गया था। ओहो, सुबह ये है मेरा सुबह सुबह मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। देखो ब्रेकफास्ट क्या है, रोटी है, ये है ओल की सब्जी, ये है टमाटर की चटनी। और अभी अभी गाइस मैं गया था रोड पर, सिलेंडर वाला आया हुआ था, कैश थे नहीं, तो फिर एटीएम से निकाल के लाना पड़ा। हट जा, तेरा खाना नहीं है ये। हट 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 हट। इसको लग रहा है इसको, अरे तू नहीं खाएगी तीखी चीजें, कहाँ खाती है तू। तो फिलहाल सिलेंडर वाले भैया को तो दे दिए पैसे, चले गए। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, एक्सरसाइज बस थोड़ी सी करी है मैंने, और फिर मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। अरे बिल्कुल बहुत टाइट हो गया ये तो। बताओ ठंड में बर्फ से सिकाई करना कितना बहादुर का काम है। हाँ बेबी, बहादुर का काम सिकाई करना नहीं है, जिसको सेक रही हूँ वो बहादुर है। हाँ बाबू, ठंड में बर्फ से सिकाई होगा आपका है। कल जो सुई लगी थी ना गाइस, रात भर तो ये सोया नहीं, और वो सूजन हो गया है। जहाँ पर सुई लगती है ना, वहाँ पे सूज जाता है पैर, तो उसको डॉक्टर ने बोला है ठंडे पानी से सिकाई करने के लिए। ये बर्फ है, इसके अंदर अभी ठंडा पानी मिक्स करके सिकाई करेंगे, क्योंकि अभी ठंडी का सीजन है, और ज्यादा अगर बर्फ लगाएंगे तो बाबू को जुकाम हो सकता है, तो इसीलिए बाबू की सिकाई होगी ठंडे पानी से, है ना। ये रही छोटी सी गांठ, ये फूल गया है ना, थोड़ा सा सूज गया है। एक्सप्रेशन दिखाऊं? हाँ, लेकिन बाबू स्ट्रॉन्ग है। हाँ, स्ट्रॉन्ग है बाबू। ठंड लग रहा है ना गाइस, तो ऐसे कर रहा है। मजा आ रहा है ना बाबू। मजा आ रहा है, हाँ मजा आ रहा बाबू को, मजा आ रहा है हाँ।